वार्म अप मैच विद फिजिक्स और आज से ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स बायस मोड। तो बच्चा रिवर्स बायस मोड का मतलब होता है फॉल्स कनेक्शन का मतलब होता है उल्टा कनेक्शन। इसका मतलब है कि पी एन जंक्शन डायोड के पी को नेगेटिव दीजिए और एन को पॉजिटिव दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पी को नेगेटिव है एन को पॉजिटिव। ऐसा करने से हुआ क्या, एक्सटर्नल बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो पहले इतना था अब वो बढ़ गया। अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां जंप मार करके नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि बहुत ही कम अमाउंट की करंट यहां पर फ्लो होती है और कम अमाउंट की करंट फ्लो होने के पीछे का कारण होता है माइनॉरिटी चार्ज। N में माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है होल, और P में माइनॉरिटी कौन है बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन। तो यहां के प्लस और यहां वाला जो माइनस है, प्लस से ये होल रिपेल होगा और ये माइनस से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही कम माइनॉरिटी चार्ज करंट फ्लो करता है, करंट ना के बराबर फ्लो होता है, नेग्लिजिबल करंट चलती है और वो भी ऑलमोस्ट माइक्रो एम्पियर के फॉर्मेट की करंट यहां पर चलती है। इसीलिए करंट कांस्टेंट रहता है, जैसे करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं, और ये आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्स बायस मोड का। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वार्म अप मैच के अंदर। जय हिंद।